हेलो फ्रेंड्स, ऑनलाइन नव्या एकेडमी में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज आपके साथ एक नया टॉपिक लेकर चल रहा हूँ। रीजनिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जहाँ से आपके पास क्वेश्चंस कई बार बनकर आते हैं। तो आज के टॉपिक जो मैं आपके साथ लेकर चल रहा हूँ, ये है काउंटिंग फिगर से। काउंटिंग फिगर में आपके पास क्वेश्चन आते हैं, ट्रायंगल काउंट करके बताने हैं, ठीक है, या फिर आपको स्क्वायर काउंट करके बताने हैं, या फिर आपको रेक्टेंगल काउंट करके बताने हैं। तो इन क्वेश्चंस को अक्सर क्या करते हैं कि जैसे अगर ट्रायंगल दिया हुआ है बना के, तो क्या करते हैं, उसके ऊपर लाइनें खींच के इस तरीके से हम क्या करते हैं, चेक करते हैं कि कितने ट्रायंगल होंगे, क्या होंगे, ठीक है। लेकिन आज मैं आपके साथ बहुत शॉर्ट ट्रिक के साथ आपको बताऊंगा कि कैसे आपको बिना काउंट किए ट्रायंगल और एग्जैक्टली आप उसको काउंट करेंगे। बार बार प्रैक्टिस करने के बाद इन चीजों को लेके आया हूँ आपके साथ, ठीक है। क्योंकि जब ट्रिक बनाते हैं तो उसके लिए बहुत सारा मेहनत करना पड़ता है, ठीक है। तो सबसे पहले, अगर अभी आप फर्स्ट टाइम अगर मेरे चैनल पे आ रहे हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर जरूर करें, और साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, और ऑल का ऑप्शन आपके आता है, आप नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि सभी नोटिफिकेशन आपके पास टाइम टू टाइम आ सके, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो होने वाला है, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो आपके साथ लेके चल रहा हूँ कि आप कैसे काउंट फिगर को कैसे काउंट करते हैं, ठीक है। वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आपको पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा कि हम स्क्वायर को कैसे काउंट करते हैं, रेक्टेंगल को कैसे काउंट करते हैं, ठीक है। तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं, हम ट्रायंगल से स्टार्ट करते हैं। क्या करते हैं, ट्रायंगल से। जैसे अभी एग्जाम आपके पास, बहुत सारे एग्जाम के लिए आपके पास काम आने वाला ये वीडियो है। जैसे कि फर्स्ट आपके पास जो काम आने वाला है, मेन तरफ डीएलएड उत्तराखंड डीएलएड एग्जाम आने वाला है, ठीक है। एसएससी में आपके पास क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, बैंक में कई बार आपके पास इस तरीके से छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं कि काउंटिंग फिगर से रिलेटेड। ग्रुप सी में आपके घर मैथ्स कराना होगा तो वहाँ पे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो ये हर जगह के लिए आपके पास काम में आने वाला है, ठीक है। तो चलिए, जैसे सबसे पहले हम जैसे ट्रायंगल अगर हमें काउंट करने के लिए आ जाता है कि आपको ट्रायंगल्स काउंट करने हैं, तो ट्रायंगल्स काउंट करने के लिए अलग अलग टाइप के यहाँ पे फिगर्स बनाए जाते हैं। तो जैसे कि पहला फिगर थे, मान लीजिए अगर मैं एक सिंपल सा ट्रायंगल लेके चलता हूँ कि ये ट्रायंगल हमारा एक है, तो यहाँ पर इजीली बता देंगे कि आपके कितने ट्रायंगल हैं, एक ट्रायंगल है, कितना है, एक ट्रायंगल है। अब इसी चीज को मैं थोड़ा सा और अगर बना देता हूं इस तरीके से, तो यहाँ पे भी आप इजीली से काउंट कर सकते हैं, एक एक ट्रायंगल बना, एक एक ट्रायंगल बना, और एक पूरा बड़ा ट्रायंगल बना, यानी कि कुल कितने ट्रायंगल बने, तीन ट्रायंगल बने। लेकिन अगर मैं थोड़ा इन चीजों को और बढ़ा देता हूँ, तो उसके बाद थोड़ा सा आपको क्या हो जाएगा कि काउंट करने में थोड़ा दिक्कत आने बैठ जाएगी। दिक्कत का मतलब ये है कि काउंट करने में टाइम लगेगा, और जरूरी नहीं कि आपका आंसर एकदम एक्यूरेट एंड करेक्ट आएगा, ठीक है। जब क्वेश्चंस आने बैठ जाते हैं, तो तब आप कैसे काउंट करेंगे इन चीजों के बारे में। ट्रिक को ध्यान से समझिएगा, बहुत इजी ट्रिक है, ठीक है। तो अब यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया था, दूसरे फिगर में सेकंड फिगर जो यहाँ पे बनाया था मैंने, यहाँ पे कितने बता दें, फर्स्ट और दो और आपके पास तीन ट्रायंगल आपके पास है बने। लेकिन मैं अगर इसको अलग तरीके से करें, अगर हम वन और टू कर देते हैं और दोनों को क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं, तो कितने ट्रायंगल हुए, थ्री। ये तो मैंने बताया था अभी, तीन ट्रायंगल हुए। चलिए अगला फिगर देखते हैं, इसमें कितने ट्रायंगल हैं, तो वन टू थ्री, तो तीन तो पांच रे कितना हो गया, छह, छह ट्रायंगल यहाँ पे है। तो बहुत इजी आपके पास ये मेथड बन गया आपका। इसमें देख कितने ट्रायंगल है, वन टू थ्री फोर, चार तीन सात नौ एक दस, तो कितना हुए, टेन, यहाँ पे आपके पास ट्रायंगल हो गए। तो देखिए, एक ट्रिक के माध्यम से अगर आप इसको करेंगे तो आपके लिए बहुत ही इजी आपके पास बन जाएगा। चलिए थोड़ा सा इसमें क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन किस हिसाब से आते हैं और कैसे आपको सॉल्व करने हैं। अब देखिए, ये ट्रिक आपको समझ में आ गई है। क्वेश्चन आप इस तरीके से कई कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे कि ये आपके पास आया हुआ है। अब यहाँ पे पूछेगा इस फिगर में कितने ट्रायंगल हैं। तो देखिए, सबसे पहले देखिए, एक ट्रायंगल इस बेस पे, ये ट्रायंगल बन रहे हैं पूरे के पूरे, और इस बेस पे भी ये ट्रायंगल बन रहे हैं। तो यानी कि अब क्या होगा, वन टू थ्री, तो यहाँ पे तीन तो पांच है, छह, सिक्स ट्रायंगल यहाँ पे हो गए, और सेम वही वन टू थ्री सिक्स ट्रायंगल यहाँ पे हो गए। तो टोटल कितने ट्रायंगल बने, हमारे टोटल ट्रायंगल बने यहाँ पे बारह ट्रायंगल बने, सिक्स प्लस सिक्स ट्वेल्व ट्रायंगल आपके पास यहाँ पे बन गए। तो ट्रिक आपको क्लियर हो गई, ठीक है। तो ट्रिक के साथ आपको कैसे फिगर काउंट करना है, ये आज मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। ये था हमारा फर्स्ट टाइप, जब ट्रायंगल पूछता है, ठीक है। सेकंड टाइप लेके चलते हैं इसमें, तो सेकंड टाइप के ट्रायंगल किस प्रकार से पूछेगा, ये थोड़ा इसमें देख लेते हैं। इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा और अच्छे से आप समझने की कोशिश कीजिए किस तरीके से हमें ट्रायंगल्स काउंट करने होते हैं, ठीक है। दूसरा हमारा आता है कि जब हमारे पास कुछ इस तरीके से फिगर दिया हुआ है, ठीक है, कुछ इस तरीके से फिगर दिया हुआ है, और अब ये आपके पास एक उल्टा ट्रायंगल बना के दे रखा है, तब कहेगा इसमें कितने ट्रायंगल हैं। तो सीधी सी बात, हम क्या करेंगे, एक दो तीन चार, चार ट्रायंगल तो अंदर बन रहे हैं और एक पूरा बाहर का बन रहा है, कितने ट्रायंगल बने, पांच ट्रायंगल बन रहे हैं। चलिए थोड़ा इसको और टफ बना देते हैं, तो इसको मैं एक और बना देता हूँ यहाँ पे इस तरीके से। ये मैंने आप इस तरीके से फिगर बनाया यहाँ पर, और ये ट्रायंगल हमने बनाए। आप इसमें बताइए इसमें कितने ट्रायंगल हैं। तो देखिए, हमने एक दो तीन और एक चौथा, ये था बाहर का,
और एक ये तो सीधी सी बात, हम क्या करेंगे एक दो तीन हो गए बाहर गए गए चार, चार ट्रायंगल आपके ये प्लस 1 2 3 4 और एक ये बाहर का इसका, तो यानी कि 5, तो कुल कितने ट्रायंगल बन रहे हैं यहाँ पे, 9 आपके यहाँ पे ट्रायंगल बन रहे हैं। ठीक है, अब थोड़ा मैं आपको लेके चलता हूँ फर्स्ट ट्रिक में। तो फर्स्ट ट्रिक में अगर मैं इसी क्वेश्चन को इस तरीके से बना देता हूँ यहाँ पे, और इसमें आपके पास पूछा जाता है कि आपको इसमें ट्रायंगल काउंट करने हैं और कुछ इस तरीके से आपके पास फिगर दिया हुआ है, कितने ट्रायंगल हैं ये आपको बताना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले तो आपने देखा यहाँ पे, अब मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि जब बेस पे इस तरीके से आ रहा तो सीधे क्या करना है, 1 और 2 नंबर डाल देने हैं, तो दोनों में कितने ट्रायंगल बनेंगे, 3 ट्रायंगल बनेंगे, तो 3 यहाँ बने, 3 इस कोने में बने और 3 इस वाले वर्टेक्स में बने, तो टोटल कितने हो गए, 3 + 3 + 3 है ना, और एक आपके पास ये अंदर बन रहा है +1 और एक पूरा बाहर का बन रहा है +1, तो 3 3 6 9 11 है ना, तो आपके पास टोटल कितना हो गया, 11 आपके पास यहाँ पे ट्रायंगल बन गए। बहुत इजी हो गया, बहुत इजी तरीके से आप इसको कर सकते हैं, है ना, बहुत ही इजी तरीके से आप कोई भी ट्रायंगल, कितने भी ट्रायंगल आपके पास दिए हैं आप काउंट कर सकते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखिए, मैंने आपको वजह से बताया कि पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा आपके पास, आप कैसे आपको काउंट करने हैं। ठीक है, चलिए, तो आपके पास सेकंड टाइप का क्वेश्चन था। अब जो नेक्स्ट टाइप में आता कि स्क्वायर के अंदर बना के दे देता है, कुछ इस तरीके से स्क्वायर के अंदर बना के दे देता है, पहले ट्रिक समझिए फिर उसके बाद क्वेश्चन किस टाइप से पूछा था वो समझाऊंगा। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे दिया था इसमें बोलेगा कितने ट्रायंगल हैं, अगर एक स्क्वायर के अंदर बनाया हुआ है उसके डायगोनल्स क्रॉस किए हुए हैं तो आपके पास पूछा जाता है कि इसमें कितने ट्रायंगल बन रहे हैं, तो हम डायरेक्टली क्या करेंगे, 1 2 3 4 नंबर डाल देंगे और जो सबसे बड़ा नंबर है 4 उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8 ट्रायंगल आपके पास हो जाएंगे। ठीक है, अब आप सोचेंगे तो 4 ही दिख रहे, 8 कहां से हो गए, तो 4 तो हमने दिखाई दी यहाँ पे। ठीक है, 5 आप इस बेस पे लेके चलेंगे तो 5 ट्रायंगल ये बना और 6 ट्रायंगल इसी बेस पे दूसरा बना, फिर इस बेस के लेके इसको अगर बेस मान के चलते तो 1 ट्रायंगल ये बना और 1 ट्रायंगल ये बना, तो 4 और बन गए, तो 4 × 4 कितना हो गया, 8 हो गए, है ना, तो हम क्या करेंगे इसको इस तरीके से सबसे बड़े को मल्टीप्लाई कर देंगे। चलिए अगला देखते हैं, थोड़ा सा एक और क्वेश्चन लेके चलते हैं इसी तरीके से। एक क्वेश्चन यहाँ पे इस तरीके से आपके पास दिया हुआ है। ठीक है, तो आपके पास कितना ट्रायंगल है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 नंबर डाल दीजिए, सबसे बड़ा नंबर उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपके पास कितना आ गया आंसर, 16 आपके पास आ जाएगा, यानी कि इसमें कितना ट्रायंगल है, 16 ट्रायंगल्स यहाँ पे है, हुआ इजी, बहुत इजी तरीके से हो गया है ना। अब इसमें देखते हैं कि किस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ओके, रेडी, तो चलिए आपके पास नेक्स्ट दिखाते इसमें क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन कैसे बनकर आते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन इस तरीके से कुछ बनकर आएगा, इस टाइप से क्वेश्चन बनकर आते हैं जो, ठीक है, तो यहां से क्वेश्चन इस तरीके से बनकर हमारे पास आते हैं। बचपन में साड़ी का किनारा सब लोगों ने बनाया होगा, है ना, बनाया बनाया सब लोगों ने साड़ी का किनारा, है ना, छोटे बच्चों को बनवाया जाता है ना आर्ट्स में, पेंटिंग में। तो अब यहाँ पे हमने क्या किया, इसको एक फिर से हमने एक ये दे दिया। अब आपके पास इस पे पूछेगा कि कितने ट्रायंगल हैं, तो आपके लिए तो बहुत बड़ा जंजाल हो जाता है ये अगर ट्रिक ना होती तो, है ना, तो क्या करेंगे हम इसमें, सबसे पहले 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो 8 × 2 = 16, मतलब इस पे 16 ट्रायंगल बनेंगे और इस वाले स्क्वायर में 16, क्योंकि दो स्क्वायर मिलके बने, देखो एक स्क्वायर इसको मान के चलें और एक स्क्वायर इसको, तो दो स्क्वायर मिलके बना हुआ एक बना हुआ। ठीक है, तो 16 आपके पास हो गया, 16 इसमें 16 से मतलब कितना हो गया, 32, लेकिन आपके 32 यहाँ पे ट्रायंगल नहीं है, है ना, क्यों नहीं है, क्योंकि देखिए यहाँ पे एक लाइन ये है जो दो ट्रायंगलों को मिलाने वाली लाइन है, दो स्क्वायर को मिलाने वाली लाइन है, तो मतलब एक ट्रायंगल ये बना इसके ऊपर ये पूरा, ठीक है, और एक ट्रायंगल ये पूरा यहाँ से यहाँ तक बनेगा, तो प्लस 2 और आपके पास होंगे, तो कुल कितना होंगे, 34 ट्रायंगल्स हैं इस फिगर में, कितने ट्रायंगल हैं, 34, कितने हैं, 34 हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि जब हमारे पास, अभी तो ट्रायंगल का था, ट्रायंगल हमने देख लिया किस टाइप से, अलग अलग हमने टाइप पढ़ ली इसमें और क्वेश्चन भी करके देख लिए, अब देखते हैं कि जब हमें स्क्वायर काउंट करने हो या फिर रेक्टेंगल काउंट करने हैं। ठीक है, तो पहले देखते हैं कि रेक्टेंगल मतलब क्या होता है, आयत, अगर आयत को हमें काउंट करना हो तो कैसे उसको काउंट करेंगे, ये चीज हम इसमें देखते हैं। अगर आपके पास आता है आयत आपको काउंट करना है, यानी कि रेक्टेंगल आप कैसे काउंट करते हैं, ठीक है, तो रेक्टेंगल काउंट करने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले रेक्टेंगल लेके चलेंगे, तो दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं,
एक तो आता है कि जब आपके पास रो और कॉलम बराबर हों, ठीक है, एक रेक्टेंगल आएगा कि रो और कॉलम क्या होंगे आपके बराबर बराबर होंगे, तब जाके आप उसको क्या बोलेंगे, ये देखिए। अब जैसे पहला ये आपके पास है कि रो और कॉलम बराबर है, ये आपकी रोज हो गई है तीन, वन टू थ्री, और ये आपके पास कॉलम हो गए हैं वन टू थ्री, क्लियर। और दूसरी सिचुएशन आती है कि जब आपके पास रो और कॉलम बराबर नहीं है, ठीक है, तो आपके पास एक चार कॉलम बना देता हूँ, ठीक है, और तीन रोज बना देता हूँ यहाँ पे, इनफ है इतना है, तो उसको हम इजीली से पता कर सकते हैं। तो हमने लिखा वन टू थ्री फोर, वन टू, ठीक है, थ्री, ठीक है। अब आपके पास इस तरीके से देखिए आप इसको, एक तो आपके पास m इंटू एम की फॉर्म में है, मतलब रो और कॉलम बराबर है, m ही कॉलम भी है, कॉलम की संख्या भी m है और रो की संख्या भी m है, और दूसरे आपके पास है m इंटू एम, दो फॉर्म आपके पास हमें दी हुई है, दो फॉर्म को किस तरीके से हमें लेके चलना है, इस चीज को ध्यान से देखिएगा, ठीक है, इस चीज को आप ध्यान से देखिए कैसे हमें इस चीज को सॉल्व करना है। तो अब यहाँ पे देखिए इसमें थ्री टू वन, तो हम क्या कर देंगे, इन सबको जोड़ देंगे, क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, थ्री टू फाइव और वन सिक्स आपके पास हो गया, और थ्री टू फाइव और वन सिक्स यहाँ पे हो गया, और दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि थ्री टू फाइव और वन सिक्स, और फिर इसको थ्री टू फाइव और वन सिक्स, और दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, यानी कि 36 आपके रेक्टेंगल इस फिगर में है। अब आप कहेंगे सर इतना छोटा है तो 36 होंगे कहाँ से, चलिए देखिए, सबसे पहले तो एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ, तो ऑब्वियसली यहाँ पे हो गए हैं ना, नौ हमने यहाँ पे काउंट कर लिए हैं। अब यहाँ पे देखिए इसको अगर हम यहाँ से लेके चले, इसको यहाँ से यहाँ तक का 10 हो गया, फिर इसको यहाँ से यहाँ तक का 11, फिर इसको यहाँ से यहाँ तक का 12, फिर इसको यहाँ से यहाँ तक का 13, फिर इसको यहाँ से यहाँ तक का 14, फिर यहाँ से यहाँ तक का 15, फिर इसको लेके जाओ 16, फिर इसको लेके जाएंगे 17, तो ये इस तरीके से बहुत सारा टाइम आपका लगेगा यहाँ पे, और टाइम लगने के साथ साथ जरूरी नहीं कि आपने जिसमें पेंसिल चलाई हो पेन चलाया आपको एग्जैक्टली दिख जाएगा कि मैंने इसे पेन नहीं चलाया हुआ है या मैंने इसको काउंट कर लिया है ना, कुछ ना कुछ मिस्टेक्स होने की प्रॉब्लम या कोई कोई रहता है एरर रहने की क्या दिक्कत हो सकती है यहाँ पे, यानी कि प्रॉब्लम आ सकती है या एग्जैक्ट आंसर ना आए, ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको काउंट करेंगे। तो सीधे क्या करना है, सबको जोड़ देना और सबको जोड़ के मल्टीप्लाई कर देना है, क्लियर। चलिए अगला देखते हैं, ये जब रो इक्वल है और कॉलम भी इक्वल है तब सिचुएशन है। अब दूसरी सिचुएशन हमारे पास है जब रो और कॉलम आपके पास अनइक्वल है, तो क्या करेंगे इसमें, चार तीन सात दोनों एक दस, टेन और तीन दो पांच एक छह, और छह का गुणा कर देंगे, यानी कि 60 आपके यहाँ पे क्या है रेक्टेंगल है, ठीक है, देखिए चार आठ बारह तरह पे है ही है, उसके बाद काउंट करके देखिए, तो आपको मैंने बताया किस तरीके से काउंट करना है, आप काउंट कर लीजिए टाइम अगर आपके पास है इतना तो, ठीक है, अगर आपके पास इतना टाइम है तो आप उसको काउंट कर लीजिए, ठीक है, तो हमारे पास टोटली क्या हो जाएगा 60 आपके पास क्या है यहाँ पे रेक्टेंगल है। तो देखिए अब स्क्वायर में भी यही दो कंडीशन आती है, स्क्वायर में भी सेम कंडीशन आती है, लेकिन कंडीशन जो अलग होता है कि तरीका जो सॉल्व करने का होगा वो अलग होगा। तो चलिए स्टार्ट कर देखते हैं नेक्स्ट का, जो कैसे मैं इस पे देखना कि स्क्वायर कितने हैं और कितने यहाँ पे रेक्टेंगल, स्क्वायर एक तो दो आपके पास है, दो कंडीशन आपके पास आएगा, एक तो आपके पास सिंपल सा वही कंडीशन आता है कि जब रो बराबर हो, रो और कॉलम बराबर हो। अब हम यहाँ पे देखेंगे स्क्वायर के बारे में, तो पहली सिचुएशन हमारे पास रो और कॉलम बराबर की आएगी, ठीक है, तो यहाँ पे हमने ले लिया है तीन रो ले लिए हैं और तीन ही हमने कॉलम भी ले लिए हैं स्क्वायर काउंट करने के लिए, और दूसरी सिचुएशन मैंने यहाँ पे ली है, इसको भी मैं एज स्क्वायर ही इसको काउंट करूँगा, और तो से मैं रो और कॉलम काउंट कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे देखो ये m into n की सिचुएशन में आपके पास यहाँ पे आपको स्क्वायर काउंट करने हैं, और यहाँ पे m into m यानी कि या n into n जो भी आप लेके चलते हैं, रो और कॉलम बराबर है और यहाँ पे रो और कॉलम अलग अलग है, तो इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं इसके लिए देखिए, वन टू थ्री और वन टू थ्री नंबर डाल दिए हमने, तो सबका क्या करना आपने स्क्वायर कर देना है, क्या करना है स्क्वायर कर देना है, तो वन का स्क्वायर हो गया प्लस टू का स्क्वायर हो गया और थ्री का स्क्वायर हो गया, सबको जोड़ देना है, स्क्वायर करके जोड़ देना है, तो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 1, तो टोटल कितना हो गया 9 प्लस 4 13 प्लस 1 14 आपके पास यहां पे इसका आंसर आ जाएगा। अब आप देख लीजिए 3 6 9 तो आपके पास ऑलरेडी मिले हैं, ठीक है, एक हो गया 10, एक हो गया 11, एक ये बना नीचे 12, एक ये बना 13, ठीक है, और एक जो बना आपके पास, मतलब कुल मिला के आपके कितने होंगे यहां पे 14 आपके यहाँ पे स्क्वायर होने वाले हैं, ठीक है,
चलिए अगला देखते हैं। जब हमारे पास सिचुएशन हो कि m इंटू n वाली सिचुएशन हो कि रो और कॉलम बराबर है, ठीक है। इसके बाद आपको ये जो काउंट कर लेना इस तरीके से लाइन खींच 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 खींच, ये नहीं करना है। इसके बाद ध्यान आई बात समझ में आई, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ट्रिक ध्यान रखनी है कि कैसे हमें इस चीज को सॉल्व करना है, ठीक है। और ट्रिक को कैसे फॉलो करना है वो चीज मैं आपको बता चुका हूं ऊपर के मैंने क्वेश्चन आपके पास बताया हुआ कि ट्रिक को कैसे फॉलो करना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या है हमारे पास, तो यहाँ पे देखिए इसमें क्वेश्चन देखिए 1 2 3 4 और 2 3 यहाँ पे दिया हुआ है। तो इसके लिए जब हमारे पास रो और कॉलम बराबर नहीं आते हैं, रो और कॉलम इक्वल नहीं है, तो हम उसमें फॉर्मूला यूज करते हैं m इंटू एन प्लस एम माइनस वन एन माइनस वन प्लस एम माइनस टू एन माइनस टू और प्लस एम माइनस थ्री एन माइनस थ्री। देखो पहले हमने m इंटू एन का मल्टीप्लाई किया, फिर इसमें से एक एक घटा के मल्टीप्लाई किया, फिर दो दो घटा के दोनों से मल्टीप्लाई किया, तब तक करते जाओ जब तक जीरो ना हो जाए। और ये तो यहीं पे जीरो हो जाएगा कि n माइनस थ्री थ्री माइनस थ्री करूंगा जीरो हो जाएगा, तो उसको लिखने की जरूरत वैसे भी नहीं है। तो देखो यहाँ पे m की वैल्यू होगी 4 और n की वैल्यू होगी 3, रो और कॉलम लिए है मैंने, ठीक है। प्लस 4 देखिए यहाँ पे 4 माइनस 1 कितना हो गया 3 और 3 माइनस 1 2 प्लस m की वैल्यू 4 4 माइनस 2 2 n की वैल्यू 3 3 माइनस 2 1 और ये आपके पास बाकी जीरो हो जाएगी क्योंकि आपके पास 4 माइनस 3 1 और 3 माइनस 3 0 और किसी भी नंबर का जीरो के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या होगा जीरो, ठीक है। तो अब आपके पास हो गया 12 प्लस 3 टू 6 प्लस 2 6 टू 8 और 12 भी कितना हो जाएगा आपके पास टोटल कितना हो गया 12 6 18 2 20 आपके पास आ गया। तो 20 आपके यहाँ पे क्या है स्क्वायर है, ठीक है। अब इस टाइप से क्वेश्चन आपके पास कई बार पूछा जाता है, जैसे कि भी क्वेश्चन एग्जाम हुआ था अभी एआरओ को वहां पे क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो वहां पे क्वेश्चन जो पूछा गया था इसमें, तो इस क्वेश्चन को हम इस तरीके से देखते हैं। जैसे इसमें दिया हुआ किसी ने बताया कि इसमें कितने आपके स्क्वायर हैं, आपने इसमें आपने बताने कितने स्क्वायर हैं। तो सबसे पहले हमने अंदर वाले काउंट किए 1 2 3 4 और एक बाहर का हो गया 5, ठीक है। और फिर वही बाहर का करेंगे 1 2 3 4 फिर इसके बाहर का हो गया एक और 5, तो 5 प्लस 5 इक्वल कितने हो गए 10 आपके पास यहाँ पे हो जाएंगे स्क्वायर बन जाएंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था आपके हर एग्जाम के लिए, चाहे आप एसएससी का एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उत्तराखंड ग्रुप सी की आप तैयारी कर रहे हैं, तो आप रीजनिंग पोर्शन में क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं, बैंक में कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, रेलवे में आपके पास कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक था इसलिए मैं आपके साथ डिस्कस किया इसको। और कैसे हमें काउंट फिगर के जो फिगर्स हैं वो कैसे काउंट करने हैं बिना कोई पेन की, जो जो भी आप अभी करते रहते हैं, ठीक है, कि अब उसी फिगर के ऊपर हम पेंसिल चलाते हुए कि 1 2 3 4 काउंट करते हैं, तो ऐसा नहीं, काउंटिंग करके उसको नंबरिंग दे दीजिए और उसको प्लस करना माइनस करना सारी ट्रिक मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कस कर चुका हूँ। फ्रेंड्स वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और इसी तरीके की वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।